हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू आइडियल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मी के दो बेहतरीन तोहफे, यानी कि गोंद कतीरा के शरबत। एक शरबत और एक शेक। सबसे पहले हमने लिया थोड़ा सा गोंद कतीरा, उसको डाले कटोरी में और पानी डाल के भिगो दिया। थोड़े से हमने लिया चिया सीड्स, उसको भी पानी डाल के भिगो दिया। दोनों के लिए को हमने एक घंटे के लिए भिगोया और देखिए कितने अच्छे फूल के तैयार हो गए। गोंद कतीरा जो है एक जेली की तरह बन के तैयार हो गया है और चिया सीड्स भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो चलिए अब बनाते हम पहले वाला शरबत। हमने लिया एक शीशे का गिलास, उसमें डाले आइस क्यूब, उसमें एक चम्मच के करीब डाले हमने चिया सीड्स और एक चम्मच डाला हमने गोंद कतीरा। उसके बाद डाल दिया इसमें मिल्क और रूहअफ़ज़ा शरबत। और ये लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा जो है रूहअफ़ज़ा गोंद कतीरा शरबत बनके हो गया है तैयार। सभी से बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे मौज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। ऊपर से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे इसको रूहअफ़ज़ा से। अब हम बनाते हैं अपना दूसरा शेक। इसके लिए हमने ले लिया एक मैंगो। मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसको हमने डाल दिया एक मिक्सिंग के जार में। गोंद कतीरे का शरबत जो है गर्मियों में बहुत ही ठंडा ठंडा होता है। अब इसको हमने डाले मिक्सी जार में, उसमें डाले हमने दो चम्मच शुगर और एक चम्मच गोंद कतीरा। ऊपर से डाल दिया दूध और सभी चीज़ों को हमने मिक्सी में मिक्स कर लिया है। अब लिया एक गिलास, गिलास में डाले आइस क्यूब, थोड़ी सी चिया सीड्स, गोंद कतीरा और इसमें डाल दिया हमने बनाया हुआ शेक। ऊपर से भी डाल दिया इसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा और ये हमारे दो गर्मियों के बेहतरीन तोहफे जो है बनके तैयार हुए हैं।